अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशी नसीब फरमाए। आज मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। इंशाल्लाह आज का व्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बड़ा शहद उतारने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है कि छोटा शहद बंदा आसानी से उतार लेता है, लेकिन बड़े शहद को उतारने के लिए काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह बड़ा शहद आज उतारेंगे, सारा सीन आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ताकि इस तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों शहद उतारने के लिए ये एक ख़ास टेक्निक है और इसी के ज़रिए शहद उतारेंगे। दोस्तों हमने फुल तैयारी कर ली है और अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद बड़ा शहद उतारेंगे। ये हमारा देसी तरीका है, जितना कितना हमसे हो सकता है हम ख़ुद को कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह, और फिर शहद उतारते हैं। शहद की मक्खियों का ये काफ़ी बड़ा छत्ता है, तो हम इससे दूरी बनाए रखेंगे। अभी हमने शहद उतार लिया है, तो इसमें जो आपको मक्खियाँ नज़र आ रही हैं इनको थोड़ा साइड पे कर देंगे, जब इन्हें धूप लगेगी तो ये उड़ जाएंगी। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहद उतार लिया है और इंशाल्लाह अभी घर जा रहे हैं, तो घर जाकर इसकी सफाई करेंगे, फिर वो सीन आपके साथ अभी शेयर करते हैं थोड़ी देर तक घर पहुंचकर। ये मेरा मामू है, तो इन्होंने डबल करके चुराबें पहनी हुई थी, ट्रोज़र पहना हुआ था और फिर ऊपर कोट और फिर हेलमेट पहनी हुई थी। तो ये चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी लाजमी होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आसानी से शहद उतार लिया है। दोस्तों अभी इसे हम चेक करते हैं इंशाल्लाह, ये देखें इस पर शहद लगा हुआ है। ज़बरदस्त ओरिजिनल शहद की ये निशानी होती है कि अगर उसको पानी के अंदर डालेंगे तो वो निचली सतह पर पानी में बैठ जाएगा, जज़ब यानी कि हल नहीं होगा, और अगर वो ऊपर वाली सतह पर रह जाए और पानी में हल भी हो जाए तो फिर समझ लें कि वो शहद ओरिजिनल नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के शहद ख़रीदें, ताकि आपको असल और नकल में फ़र्क का पता चले। ये माशाल्लाह काफ़ी प्योर हनी है, एक साफ़ सुथरा कपड़ा ले लेंगे, फिर इसके ज़रिए से शहद की सफाई करेंगे। अभी ये बर्तन थोड़ी देर बाद बिल्कुल भर जाएगा। माशाल्लाह ये सीन चेक करें, ये बिल्कुल साफ सुथरा शहद यहाँ से निकल रहा है। तो ये बर्तन में आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा है माशाल्लाह।
दोस्तों ये हमारा देसी तरीका है जिसके ज़रिए हम शहद निकाल रहे हैं। तो अगर आपकी कोई राय है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ये तकरीबन 2 से 3 किलोग्राम तक शहद इस छत्ते में से निकला है। अगर पहले उतार लेते तो तकरीबन 5 या 10 किलोग्राम के आसपास शहद निकलता, तो हमने देर कर दी थी, इसी के चलते शहद 2 से 3 किलोग्राम तक निकला है इसमें से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग भी आपने हर बार की तरह एंजॉय किया होगा। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए, ढेरों कामयाबियाँ नसीब फरमाए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनों में रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तो अपने भाई अपने दोस्त हमजा अली खान को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। ये दूसरा बर्तन भी इंशाल्लाह तकरीबन भरने वाला है। ये दोनों बर्तन तकरीबन भर चुके हैं।